बहुप्रतीक्षित आध्यात्मिक थ्रिलर फिल्म मनस्वी का ट्रेलर आज इंदौर में लॉन्च किया गया। रिंकू ठक्कर, अर्चना दुबे और प्रतीक संघवी के सहयोग से जयेश राजपाल के नेतृत्व में इंदौर के फिल्म प्रेमियों के समूह द्वारा निर्मित इस फिल्म की घोषणा पिछले हफ्ते प्रसिद्ध बॉलीवुड ट्रेंड एनालिस्ट कोमल नहाटा ने की थी। फिल्म का निर्देशन मनोज ठक्कर ने किया है, जो एक प्रकाशित लेखक और टीम के आध्यात्मिक गुरु हैं। वे आध्यात्मिक विषयों की 4 पुस्तकों के लेखक भी हैं। वह मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भारत में 4 राष्ट्रपति सम्मानों के प्राप्त करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक काशी मरणान मुक्ति के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और उन्हें उनके काम के लिए ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरियन संसद में सम्मानित भी किया गया है। फिल्म की उत्पत्ति का पता एक किताब से लगाया जा सकता है, जिसे मनोज, जयेश और पटकथा लेखक नुपुर ने पहले एक साथ लिखा था, जिसका शीर्षक था अघोरी, अ बायोग्राफिकल नोवेल, जो कुंभ में एक वास्तविक अघोरी के साथ मनोज की हुई मुलाकात से प्रेरित है। किताब की सफलता के बाद तीनों ने कहानी को एक और नए प्रारूप में तलाशने का फैसला किया। फिल्म को बनाने में कई कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से यह अघोर और तंत्र की अवधारणाओं के आसपास की जनसामान्य भ्रांतियों को दूर करने के लिए है। आज हम युवाओं को उनकी और अपनी भाषा में अध्यात्म और बहुप्रतीक्षित संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस आधुनिक जीवन में हम कई नकारात्मक विचारों, भय, चिंता, आक्रोश, दिमागी तनाव, अनिद्रा के बोझ के तले दबे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने उद्देश्य की भावना खो चुके हैं। मनस्वी का लक्ष्य है हमें यह दिखाना कि बाहर का रास्ता तो भीतर की ओर से मुड़ना है। मैं युवाओं के लिए ही संदेश है कि जो शब्द जो हैं उनके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, उनको गलत समझा गया है। जैसे अघोर शब्द, अघोर शिव का नाम है, अघोर शिव का रूप है और अघोरी को गलत समझा जाता है। वैसे ही तंत्र शिव का ज्ञान है। तो जैसे कृष्ण और गीता होता है, तो कृष्ण ने गीता बताई जन कल्याण के लिए एक तरीके से, ठीक उसी तरीके से शिवजी ने जो है पार्वती जी को जन कल्याण के कुछ सूत्र बताए। वो सारे सूत्र जो है वो तंत्र कहलाए। तो पूरा एक सिस्टम तैयार हुआ ज्ञान का और उसके अलग अलग पार्ट जो थे वो यंत्र कहलाए। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी पूरा सिस्टम है, तंत्र है। उसके अलग अलग पार्ट हो गए, हाथ, पांव, लीवर से लेके किडनी से लेके हार्ट तक सब आ गया इसमें। और ये एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। इनके लिए एक साउंड वाइब्रेशन चाहिए अलग से। पूरा जो वर्ल्ड का मतलब पूरा कॉस्मिक क्रिएशन जो है वो साउंड से हुआ है। तो जो साउंड का जो कॉस्मिक क्रिएशन है, वो साउंड एनर्जी जो है आपके हर यंत्र को उस तरीके से आगे बढ़ाती है। तो वो हो गए मंत्र। अब यहाँ पर भ्रांति ये हो गई कि तांत्रिक गलत, मांत्रिक गलत। तो मैं तांत्रिक मांत्रिक का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं उन शब्दों का फेवर कर रहा हूँ कि ये शब्द वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। सर कितने बजट की मूवी है और कितने दिन में ये बजट? आप 2.5 से 3 के आसपास पूरा समझ लीजिए, मतलब पब्लिसिटी वगैरह सब आ गया इसके अंदर। तो ये 26 दिन में पूरी हुई। इसमें इंदौर के ही कलाकार हैं ज्यादा करके, हीरो भी इंदौर का है, इंस्पेक्टर का रोल है वो भी इंदौर के हैं, बाकी जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट दिखेंगे वो भी सब इंदौर के ही हैं। इसमें 3 जने बाहर से हैं, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फ्रेशर है। इंदौर के 40 किलोमीटर के अंदर और 100 लोगों की टीम थी पूरी। सर आखिरी क्वेश्चन, किस तरह का संदेश है युवाओं के लिए इस मूवी में और क्या? बस युवा थोड़ा सा हमारे शास्त्रों के शब्दों को समझें, उसे बड़े लेवल पर लें, न कि सुनी सुनाई बातों को समझकर उस रास्ते चला जाए। आपका नाम? मनोज ठक्कर। जी, तो एक आध्यात्मिक फिल्म है जो अघोर हमारे युवा, जो हम हिंदुस्तान के लोग, हिंदू समाज के होते भी अघोर को एक्चुअली समझ नहीं पाते। तो अघोर को हम नॉर्मली समझते हैं कि अघोरी साधु शमशान में रहता है, मुर्दा खा जाता है और आप पास जाओ तो अपशब्द करके भगा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर शिव का सबसे प्योर रूप है और अघोर को समझाने की कोशिश की है इस फिल्म में। अघोर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उस अघोर को समझाने की कोशिश की है कि हम हिंदू लोग भी इस बात को समझें, हिंदू के साथ साथ हम किसी भी समाज के लोग, किसी भी धर्म के लोग इस बात को समझें कि अघोर एग्जैक्टली क्या होता है। इसमें मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, उसमें कुछ
ये स्पिरिचुअल थ्रिलर है, तो उसमें कुछ मर्डर्स होते हैं, तो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में मेरा रोल आता है और मैं देवास जिले के बागली का TI हूँ इस फिल्म में। सर रियल लाइफ में आपका प्रोफेशन डॉक्टर का है और जी कैरेक्टर आपने कितना चैलेंजिंग है? मुश्किल तो है क्योंकि अगर मैं डॉक्टर का रोल निभाता तो मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्पेक्टर में तो पूरी यूनिफॉर्म में आना और उस यूनिफॉर्म में अपने आप को इंस्पेक्टर समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था। लेकिन मैंने कुछ सालों पहले एक्टिंग के कुछ कोर्सेज किए थे, इसलिए मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि पहली बार कैमरा फेस किया, थोड़ी सी बेचैनी घबराहट रहती है, लेकिन उसको पुराना जो कोर्स मैंने किया था उससे ओवरकम करने में काफ़ी मदद मिली मुझे। सर कितने दिन की तैयारी लगी सारी चीज़ों में और किस तरह का मतलब कठिनाई? नहीं, कठिनाई तो बेसिक ये है कि मैं एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे समय मैनेज करने में बड़ी मुश्किल आई और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए अपना सेवा कार्य छोड़ दूँ। तो मुझे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेगुलर देखना और फिल्म की शूटिंग करना, और फिल्म की शूटिंग के पहले भी हमने कम से कम 3 से 4 महीने लगातार प्रैक्टिस का दौर चला, काफ़ी समय निकाला। कई बार तो नींद पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं दिन भर एज ए डॉक्टर काम करता था, फिर शाम से रात तक हम प्रैक्टिस करते थे। और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई इसके पहले हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहा मुझे भी। जी, युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि जो हम आज की भौतिकतावादी जीवन में आपाधापी में भागम भाग में लगे हैं, वो बेसिक ठीक है, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, ये आज की ज़रूरत है, लेकिन हम हमारी जड़ों को समझें। स्थिति ये हो रही है कि हिंदुस्तान जो देश है उसमें आध्यात्मिक जड़ें बड़ी मजबूत रही हैं। मूवी एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है जैसा कहा गया है। ये एक CBI ऑफिसर की कहानी है जो बाहर के केस को सॉल्व कर ही रहा है सीरियल चाइल्ड किलिंग के, पर साथ ही साथ वो स्वयं का सत्य भी जानना चाहता है। उसने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, पैसा, परिवार, सब देखा, पर फिर भी उसको संतुष्टि महसूस नहीं हो रही। तो वो संतुष्टि क्या है जो वो पाना चाहता है? उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो कल्चर, हमारे जो पुराण में या कल्चरल हेरिटेज है वो लोगों तक पहुँचे, तो उसको मर्डर मिस्ट्री के साथ वीव किया गया है। तो उस आउटवर्ड जर्नी में उसे एक अघोरी महात्मा मिलते हैं जो उसे स्वयं के जानने की ओर बढ़ाते हैं। बौद्ध लामा उसे जीवन को कितना सरलता से जिया जा सकता है बहुत ही सरल शब्दों में वो बताते हैं। मेरा रोल CBI ऑफिसर का है, जो इनिशियली पहले IPS ऑफिसर है और सत्य की खोज में वो CBI ऑफिसर बनता है। सर कितना कठिन रहा आपका रोल इस मूवी में? कठिन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये कहना कि मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर तो कभी था ही नहीं, एक्टर तो मैं कभी रहा ही नहीं हूँ, पर कठिन इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये पूरा एक प्रयोग है, मूवी बनना ही, ये मूवी का हम लोगों का पहला ही प्रयास है। इसमें सभी लोग नए मिलेंगे आपको, डायरेक्टर से लेकर एक्टर से लेकर, इसमें कुछ NSD के पास आउट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है 4 से 5, बाकी एक परिवार के रूप में काम होता गया। इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी शूटिंग हुई, बाबा महाकाल की भस्म आरती से शुरुआत हुई, तो ये कृपाएं बनती रही तो आगे बढ़ता रहा काम, तो कठिनता का अनुभव नहीं हुआ। मैंने जैसा कहा कि चैलेंजिंग शब्द इसलिए नहीं वापरना चाहूँगा मैं इसके लिए, क्योंकि ये एक जर्नी रही है। जैसे शिवाजी ने आपसे कहा था एक यात्रा है मनस्वी, तो यात्रा का मतलब ये था कि फिर आप बस बहते चलो यात्रा में, जो काम आए, जो शॉट आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे NSD आर्टिस्ट ने ट्रेनिंग भी दी थी, 15 से 20 दिन के लिए वर्कशॉप दिया था, सर ने कुछ सिखाया था, डायरेक्टर सर ने, वो हमारे गुरु भी हैं मनोज जी, तो उन्होंने भी सिखाया था। और उद्देश्य ये था कि आप समाज तक कुछ पहुंचाना चाह रहे हो, बस वो भाव रखो। इसमें जो भटकाव अधिक हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग अक्सर बाहर आश्रम की चकाचौंध को देख कर उस और बढ़ जाते हैं, जबकि वो वास्तव में वहाँ से उनको मिलता कुछ नहीं है सिवाय 2 या 3 दिन के एंटरटेनमेंट के। वास्तविक आध्यात्म या वास्तविक तक पहुँचने के लिए खुद के अंदर जाना पड़ता है, और वही इस मूवी का मुख्य संदेश है कि आप स्वयं के अंदर जाना सीखिए, और वो कितनी आसानी से किया जा सकता है थोड़ा सा बस जागृत होकर, उतना सा जागरण की जरूरत है। आप स्वयं
अपने आप में ऐसा डर गए हैं कि मैं भैया से कहूंगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा तो बुरा लग जाएगा, क्या ये वाकई में अपने आप की खोज है? तो यहाँ खुद को खो के कुछ पाया जाए वो अघोर की तरह। प्रोडक्शन के टाइम पे 26 दिन KNN न्यूज के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।